तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, आईसीईआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं और साथ में मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी देता हूं बिल्कुल फ्री में। लेकिन गाइस, वीडियो पर लाइक ज्यादा नहीं आते हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, ना रुपया ना पैसा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं, सिर्फ एक लाइक की। अगर आप लोगों का मन हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो बात करेंगे आज हम आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर एक सॉल्व करेंगे। अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम आपका जो है मार्च 2022 में हो सकता है, इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। आपको मालूम है कि फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, पहले 10 थी, अब बढ़ाकर 20 कर दी गई है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलका मित्तल। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हाल ही में अलका मित्तल को अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। वे ओएनजीसी का नेतृत्व तो करने वाली पहली महिला बनी है। वे सुभाष कुमार की जगह लेंगी। सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस, भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर फतह करने वाली कौन सी भारतवंशी महिला बन गई हैं? आंसर हो जाएगा पहली महिला ये बन गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में, कैप्टन हरप्रीत चंडी के बारे में। कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतवंशी व अश्वेत महिला है। ब्रिटेन निवासी 32 वर्षीय सिख सैन्य अधिकारी पोलर प्रीत के नाम से भी जानी जाती हैं। चंडी ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा सोमवार को लाइव ब्लॉग पर की। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूल के अशोक एलु स्वामी किस कंपनी के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका टेस्ला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है? जमैका, बेलीज, सेंट लूसिया, बारबाडोस। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारबाडोस। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, ब्रिटेन से अलग होकर कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है। इसके साथ ही यहां पर महारानी एलिजाबेथ सेकंड का शासन खत्म हो गया है। गवर्नर जनरल सेंट्रा मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई है। उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। मेसन ने बारबाडोस की पहली उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिमिटसन अटॉर्नी और जज भी रही हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन गाइस, की 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन सी बनी है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एप्पल। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने इतिहास रच दिया। सोमवार को कंपनी की $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हो गई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, देखिए गाइस, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं। पहले पीडीएफ बनाता हूं, पहले क्वेश्चन टाइप करता हूं, फिर उसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करता हूं, वो पीडीएफ फिर मैं आप लोगों के सामने लाता हूं, फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड भी कराता हूं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 के नए वेरियंट IHU की खोज की है? तो ये खोज की है फ्रांस ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जहां दुनिया पहले से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड-19 मामलों में आई तेजी से जूझ रही है, वहीं फ्रांस के वैज्ञानिकों ने
एक ऐसे वेरिएंट की तलाश की है जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिक रूप से इसका नाम है B1.640.2, लेकिन अब इसे IHU कहा जा रहा है। दरअसल इस वेरिएंट की खोज फ्रांस के मशहूर IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने की है, इसलिए इसका नाम भी इसी इंस्टीट्यूट के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार IHU में 46 म्यूटेशन यानी ओरिजिनल वायरस के तुलना में 46 बदलाव पाए गए हैं जो ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। 13 ब्रिक्स समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से पांच देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन है गाइस, ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलका मित्तल। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ONGC से बतौर ट्रेनिंग करियर शुरू करने वाली निर्देशक HR डॉक्टर अलका मित्तल को कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वह कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला मुखिया हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है गाइस, ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि को लेकर किस देश में हिंसक झड़पें हुई? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है गाइस, ICC महिला विश्व कप 2022 में भारत का पहला मैच किस देश के खिलाफ होगा? न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले मिताली राज की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भी भाग लेंगी। टीम इंडिया 6 मार्च को तौरंगा में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला विश्व कप मैच खेलेंगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, मिट्टी पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मिट्टी अपारदर्शक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, 1 डायोप्टर उस लेंस की वह क्षमता होती है जो किसी 1 m फोकस दूरी वाले लेंस की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों अवतल। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो
तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो इस प्रकार से हैं, कौन कौन से देख लीजिए। पहला गाइस आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दोनों एक ही तल से होते हैं, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश किसी निश्चित वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है गाइस, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पुतली। तो इसके बाद जान लीजिए आप लोग, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख आइज के जिस भाग पर पड़ता है वह है पुतली। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तल लेंस। मानव नेत्र ह्यूमन आईज में उत्तल लेंस पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, बैंगनी, लाल, नीला, पीला। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लाल। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस, कन्फ्यूशियम कौन था। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, ये एक चीन का विचारक था। तो ऑप्शन जो बच्चे ए बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे। इनकी मृत्यु 480 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये जो आंदोलन है हुआ हाओ, ये आंदोलन शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हुआ हाओ ऐसा ही एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है। इंडो चाइना जो है ये किस देश से मिलकर बना है, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। तो इंडो चाइना कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से मिलकर बना है। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। आधुनिक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के इलाकों को इंडो चीन कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ के लोग अलग अलग समूहों में बटे हुए थे और चीन के शक्तिशाली साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1887। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 5887 में हुआ था। फ्रेंच इंडो चाइना तीन देशों से मिलकर बना था, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हो ची मिन। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ची मिन्ह आने
ने 3 फरवरी 1930 में की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? तो लौह अयस्क जो है ये नवीकरण योग्य है। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जान लीजिए आप लोग, लौह अयस्क खनिज के रूप में प्राप्त होता है तथा किसी भी खनिज को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः लौह अयस्क को अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत माना गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है, जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूप में परिवर्तित करती है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अधिक सिंचाई। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य, साथ ही यह पृथ्वी का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तराचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गुजरात। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, अधिकता होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? 6, 7, 8, 9। जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 7। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है जिसमें 29 राज्य हैं, जिनमें से 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ये सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ईटानगर। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। अरुणाचल प्रदेश चीन के तिब्बत स्वात क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की आबादी करीब करीब 13,82,611 और 83,783 वर्ग किलोमीटर, 32,383 वर्ग मील का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तेलुगु और उर्दू। आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं तेलुगु, हिंदी, बंजारा, उर्दू और अंग्रेजी हैं। तेलुगु भाषा तेलुगु भारत की 23 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन है गाइस, 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी? 3, 5, 7, 10। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 10। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पीएचपी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस।
पीएचपी क्या है? तो पीएचपी जो ये प्रोग्रामिंग भाषा है, तो सी वाला जो आंसर बता रहे हैं बच्चे, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पीएचपी बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल लैंग्वेज है। यदि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पीएचपी जरूर जरूर सीखना चाहिए। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएं कि पीएचपी क्या है, इसके इसके क्या उपयोग हैं, ये काम कैसे करता है, उसके क्या क्या फायदे नुकसान हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। इनमें से कौन सा एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर बहता या उड़ता है? अगला क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर बहता या उड़ता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हमिंग बर्ड, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। हमिंग बर्ड यही वह पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस शहर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत संस्थान है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यूटन ने किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में लिखा है? तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रिंसिपिया। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। आइजैक न्यूटन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनकी पुस्तक फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया गणित का गति के विवरण कानून और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है जो आधुनिक भौतिकी के बहुत अधिक मात्रा में है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक घर का पिछला नाम क्या था? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वायसराय हाउस। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति भवन भारत सरकार के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति उन कक्षों में नहीं रहते जहां वायसराय रहते थे बल्कि वे अतिथि कक्ष में रहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति आगंतुक से मिलते हैं। 25 जुलाई 2017 उपरांत महामहिम रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 है? सभी लोग आंसर बताते चलेगा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बेकिंग सोडा। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaSCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस वीडियो को जरूर लाइक करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर मैं देखता हूँ अगर 800 भी व्यूज़ आते हैं तो मुश्किल से आपको लाइक मिलते हैं 30 से 40, इससे ज़्यादा लाइक नहीं मिलते हैं। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो लाता हूँ और ऐसा वीडियो लाता हूँ जो कि वीडियो आपको आपके काम का हो, ऐसा ही मैं वीडियो लाता हूँ और उस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लाता हूँ और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ और वीडियो की जो PDF होती है वो भी मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूँ, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।